लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी आरएलडी का गठबंधन और कांग्रेस के मजबूत होने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी ने 2014 के पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य में 80 में से 71 अकेले और सहयोगियों के साथ 73 सीटें जीती थी, लेकिन ऐसा प्रदर्शन इस लोकसभा चुनाव में दोहराना लगभग असंभव है। एक तरफ जहां सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए बीजेपी अपने कुछ मौजूदा लोकसभा सांसदों को बदलने पर विचार कर रही है, तो वहीं टिकट ना पाने वालों के विद्रोही के तौर पर खड़े होने की आशंका भी पार्टी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। चलिए हम आपको बताते हैं कि अलग अलग जगहों पर बीजेपी को किस तरह से खतरा हो सकता है। बागपत। बता दें कि एसपी बीएसपी गठबंधन में आरएलडी के जुड़ने से बीजेपी के लिए बागपत सीट को बरकरार रखने की संभावना घट गई है, क्योंकि सीट से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी खड़े हो सकते हैं। इलाहाबाद। बागपत ही नहीं, बीजेपी को इलाहाबाद सीट पर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एसपी के रेवती रमन ने 2009 में ये सीट जीती थी, लेकिन 2014 में बीडी के बड़े व्यापारी श्याम चरण गुप्ता ने उन्हें हरा दिया था। बहराइच। बहराइच में भी भाजपा को झटका झेलना होगा, क्योंकि बीजेपी की बागी सावित्रीबाई फुल्ले यहां की आरक्षित सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी और बहराइच में कुर्मी समुदाय की बड़ी संख्या है, और अगर बैनी प्रसाद वर्मा की ओर से फुल्ले को समर्थन दिया जाता है तो वो दोबारा सांसद बन सकती है। बाराबंकी। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया बाराबंकी आरक्षित सीट से अपने बेटे तनुज के लिए टिकट चाहते हैं। राज्यसभा सांसद पुनिया ने 2009 में ये सीट जीती थी। 2014 में बीजेपी की प्रियंका रावत ने ये सीट अपने नाम की थी। कैराना और फूलपुर। उत्तर प्रदेश में कैराना, फूलपुर और गोरखपुर की सीटों पर हुए उपचुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। एसपी बीएसपी आरएलडी का गठबंधन कैराना में मजबूत दिख रहा है। ऐसी रिपोर्ट है कि बीजेपी फूलपुर सीट वापस हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उतार सकती है। कानपुर। सूत्रों की माने तो इस बार कानपुर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। अगर मुरली मनोहर जोशी चुनाव नहीं लड़ने का फैसला करते हैं तो पार्टी को इस सीट पर भी झटका लगेगा। अकबरपुर और अंबेडकर नगर। बीएसपी प्रमुख मायावती का इन दोनों सीटों पर शुरू से ही दबदबा रहा है और इससे बीजेपी की राह मुश्किल होगी। इसके अलावा बीजेपी को बलिया, भदोही, चंदौली, फतेहपुर और देवरिया में भी एसपी कड़ी टक्कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टोरी हब।